हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एकदम आसान सी रेसिपी, गुलाब जामुन आइसक्रीम केक की रेसिपी। इसके लिए ना ही गैस लगेगा ना ही माइक्रोवेव का यूज़ होगा। जिन्हें कुकिंग बिल्कुल नहीं आती वो भी इसे आसानी से बना सकता है और इसके मज़े ले सकता है। ये रेसिपी एकदम कम से कम इंग्रेडिएंट के साथ होगी। चलिए फिर शुरुआत करेंगे हम। केक के बेस के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं गुड डे बिस्किट। आप चाहे आपके पसंद के कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। यहाँ पर मेल्टेड बटर है, ये मिल्क मेड। गुलाब जामुन केक है तो गुलाब जामुन लगेंगे। मैंने 2 गुलाब जामुन इसे इस तरह कट कर लिए हैं। और ये राजभोग आइसक्रीम, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करेंगे। केक के बेस के लिए हमने यहाँ पर लिए है बिस्किट्स। इसे हमें तोड़कर इस तरह मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है और बारीक सा इसे पाउडर बना लेना है इसे। चलिए फिर इसे इस तरह ग्राइंड करेंगे हम। देखिए इस तरह हमने बिस्किट का चूरा बना लिया है। ज़्यादा एकदम पाउडर नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए इसे। मैंने यहाँ पर लगभग 25 से 30 बिस्किट यहाँ पर लिए हैं मैंने। अब इसमें हम मेल्टेड बटर ऐड करेंगे। देखिए इतना मेल्टेड बटर है, ये इसमें सारा ऐड करना है। और इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा करना है। बिस्किट भी मीठे होते हैं और कंडेंस मिल्क भी, तो थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे हम। ये पूरा इसमें जाने वाला है। और इसे हम अच्छी तरह से एक मिक्स अच्छी तरह से कर लेंगे इस तरह। केक के लिए हमें इस तरह का टिन चाहिए जो आसानी से इसका बेस निकल जाए। इस तरह का हमें चाहिए ताकि हमारा केक भी अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। चले फिर इस पर हम जो केक का हमने बेस बना के रखा था बिस्किट से, वो सारा इसमें ऐड करेंगे। देखिए इस तरह इसे प्रेस करें ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो सके। इवनली से हर जगह पर प्रेस करना है। आप किसके ग्लास भी ले सकते हैं इसके लिए, या फिर कोई भी इस तरह का बॉटम होना चाहिए। और इसे अच्छी तरह से हम दबा दबा कर प्रेस करेंगे। अब इस पर सेट करेंगे हम गुलाब जामुन। देखिए हमने दो हिस्सों में इसे डिवाइड कर लिया है। देखिए इस तरह से किनारे पे हमें सेट करना है। इसके अंदर आइसक्रीम जाने वाली है, इसलिए इस तरह हमें इसे सेट करें। देखिए इस तरह हमने गुलाब जामुन सारे सेट कर दिए हैं। अब इस पर जाएगी आइसक्रीम। देखिए ये पूरी आइसक्रीम इस पर जाने वाली है इस तरह। देखिए हमारे केक अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसे हम फ्रीजर में रखेंगे जब तक ये अच्छी तरह से पूरा सेट नहीं हो जाता, फिर बाद में इसके सर्व करेंगे हम। चलिए फिर हमारा केक अब सेट हो चुका है। अब इसे हम डीमोल्ड करेंगे। ये काफ़ी इजी है, सिर्फ इसे क्लिप निकालनी है इसे, और इसे इस तरह ऊपर से निकालना है। आसानी से ये निकल जाएगा। देखिए इस तरह ये आसानी से डिमोल्ड हो जाता है ये। अब इसे हम कट करेंगे और सर्व करेंगे। चलिए फिर इसे सर्व करेंगे हम आसानी से। देखिए हमने इसे अच्छी तरह से डिमोल्ड कर लिया है। देखिए हमारा केक का बेस इस तरह। चलिए फिर इसे हम कट करेंगे और सर्व करेंगे। देखिए हमने इसे अच्छी तरह से स्लाइस में कर लिया है। ये हमारा गुलाब जामुन आइसक्रीम केक। इसी तरह आप घर पर भी बनाएं और कमेंट में बताएं आपको कैसे लगी है। लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।